राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या नगरी सुरक्षा के मोर्चे पर अभेद किले में तब्दील हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होने वाले इस समारोह में करीब 8000 VIP अतिथि मौजूद रहेंगे। इसी कारण आसमान से लेकर जमीन तक कड़ी निगरानी और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। ऊपर ड्रोन से सिक्योरिटी मॉनिटरिंग होगी। 10,000 से अधिक कैमरे भी इंस्टॉल हुए हैं जो चप्पे चप्पे की निगरानी करेंगे। आइए जानते हैं कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की नगरी में कैसी सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है। 22 जनवरी को अयोध्या में परिंदा भी अगर पर मारने की कोशिश करे तो वो नाकाम हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ड्रोन और CCTV के अलावा बड़ी संख्या में विशेष तौर पर प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। वे ऑटोमेटिक हथियारों से लैस होंगे और इन जवानों में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहने वाले SPG से लेकर आतंकरोधी दस्ते तक के स्पेशल कमांडो तैनात किए जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। राम मंदिर निर्माण के लिए 500 से अधिक सालों तक इंतजार किया गया है, इसीलिए राम भक्त इस लम्हे को निहारना चाहते हैं। कार्यक्रम के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सुरक्षा एजेंसी खास तौर पर सतर्क है और फूंक फूंक पर कदम बढ़ाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की अचूक सुरक्षा के लिए केंद्र और UP सरकार की सुरक्षा एजेंसियों ने साथ मिलकर 7 लेयर सुरक्षा घेरा तैयार किया है। पहले घेरे में SPG के कमांडो होंगे जिनके हाथ में अत्याधुनिक हथियार होंगे, वहीं दूसरे घेरे में NSG के जवान होंगे और तीसरे घेरे में IPS अधिकारी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। चौथे घेरे का जिम्मा CRPF के जवानों पर होगा और पांचवें घेरे का जिम्मा UPATS के कमांडो संभालते नजर आएंगे, जो किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में एक्शन लेने के लिए तैयार होंगे। छठे घेरे में IB और सातवें घेरे में स्थानीय पुलिस के जवानों की फौज खड़ी होगी। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वर्तमान में देश के जो सबसे पावरफुल लोग हैं वे शामिल हो रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होने वाले हैं। इनके अलावा बड़ी संख्या में देश विदेश की हस्तियां शामिल होने के लिए आ रही हैं। आमंत्रित अतिथियों के अलावा लाखों की संख्या में आम लोग भी उस दिन अयोध्या पहुंचने वाले हैं, जो कार्यक्रम का तो हिस्सा नहीं रहेंगे परंतु इस खास मौके पर राम नगरी में मौजूद रहेंगे। सुरक्षा तैयारी में कार्यक्रम के दौरान संभावित तौर पर किसी भी आसमानी हमले से निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कमांड कंट्रोल सिस्टम बनाए गए हैं। यहाँ SP प्रवीण रंजन ने बताया कि राम मंदिर की सुरक्षा में CRPF की 6 कंपनी, TAC की 3, SSF की 9 कंपनी और ATS-STF की एक एक यूनिट 24 घंटे तैनात रहेगी। इसके साथ ही 300 पुलिस कर्मी, 47 फायर सर्विस, 40 रेडियो पुलिस के जवान, 37 लोकल इंटेलिजेंस, 2 बम डिटेक्टिव स्क्वाड की टीम और साथ ही 2 एंटी सबोटाज स्क्वाड की टीम तैनात की गई है। इस तैनाती में न केवल कार्यक्रम स्थल बल्कि मंदिर तक जाने वाले सभी रास्तों और चौराहों पर भी, ताकि किसी भी घुसपैठ को रोका जा सके और हर आने जाने वाले व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जा सके। सबसे पहले सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सुनिश्चित की गई है। PM की सुरक्षा घेरे में 3 DIG, 17 SP, 40 SP, 82 DSP, 90 इंस्पेक्टर के साथ साथ 1000 से ज्यादा कांस्टेबल और 4 कंपनी PSC तैनात रहेगी। निगरानी के लिए UP पुलिस ने 10,000 से अधिक CCTV कैमरे लगाए हैं। जिन लोगों के दुकानों और घरों के सामने लगे हैं उनको भी पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान दूर निगरानी रखने के लिए किसी भी लॉन्ग रेंज अटैक को काउंटर करने के लिए स्नाइपर की भी तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश के DG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि अयोध्या में माइक्रो लेवल तक सुरक्षा की गई है। सरयू के तट पर सुरक्षा के लिए स्नाइपर तैनात रहेंगे, जो कई जवान हाई स्पीड वोट के जरिए नजर रखेंगे। स्थानीय लोगों की माने तो अयोध्या के इर्द गिर्द सुरक्षा का इतना मजबूत घेरा आज से पहले कभी नहीं बना है। लोगों का कहना है कि इतना बड़ा महोत्सव पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए यह बेहद खास है। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।